ये काशी का इतना बड़ा प्रमाण है कि हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। हो सकता है कि उनका सोने का महल हो या चांदी का बना हुआ हो, हीरे जवाहरात उसके कंकुए पे लगे हो, मरियां चमकती हो और तमाम लोग विश्व के दर्शन करने के लिए आते हो। मैं तो ऐसा समझता हूँ, जब सब सुखी थे, सब भरपूर थे, सब संपन्न थे और सब ये रत्नों की खान थी, तो उस समय का इतिहास तो ये बात बताता ही है। लेकिन अब वो किधर चला गया? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो सबके सब यू ही है, लेकिन आप नहीं जानते ये अंचल है। इन्होंने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े भूप और महीपत और राजे और बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर आए। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठा करने वाले उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन्होंने सब कुछ अपने में छुपा दिया। और ये कब निकाल के देंगे? तो मैं एक छोटा सा दोहा सुनाऊंगा। संभव 2000 के उत्तर ऐसा जो पड़े, उत्तर पूरा 25-24 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी, जगमाई प्रजा बहुत मरे, गोबरण पर पृथ्वी फूले, सुखी दशा फिरे, 10 बरस को संजुग आवे, गर्व की बेल पड़े। मैं ये कुछ नहीं जानता कि मुसलमानों ने मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किताबों में ये बात सिद्ध है कि कलयुग में सज्जुग आएगा। उनकी बात नहीं मानते हो तो बाबा जी की बात मान लो। हम तो आपके सामने वो आदमी है कि जो इस मंच पर बैठ करके बोलेंगे या खड़े होकर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से आप सुनिए, परिवर्तन होगा। लोग अध्यात्मवादी भारत में ऐसी कुबादा जगेगी, अध्यात्मवादी होंगे, उसके लिए दूर दूर से आएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, अध्यात्म लोग पढ़ने लगेंगे, बड़े बड़े विज्ञान, आध्यात्मिक प्रचार, भौतिक और दैविक होगा। इतना बड़ा इधर भी और उधर भी दोनों तरह के प्रचार, लौकिक और पारलौकिक, बुद्धि का प्रचार, लेकिन मानवता का, इस मानवता में बुद्धि विवेकशील हो और आध्यात्मिकता में आत्मा जगे, वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र शिव नेत्र खुल जाए और हम लोग भी स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद मरने के पहले इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ले सके, ये सब उसी के लिए ये सामान तैयार किया जा रहा। जब मैं जेल से निकल करके आया तो मुझे एक स्वप्न हुआ कि देखो, तुम जो प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए सरकार, क्या मेहनत करने पड़े, हुक्म दीजिए। अगर जनता जनार्दन के लिए मेहनत करनी हो तो हम तैयार हो जाए। तो जेल से निकलने के तुरंत ही बाद एक स्वप्न हुआ कि सीधे अयोध्या चले जाओ और एक फरिश्ता, एक देवता को खुश कर दो सरजू जी के किनारे। मैंने फौरन डंडोरा पीटा कि चलो भाई, अयोध्या चलना है, लाखों आदमी वहां, चलो एक देवता को प्रसन्न करना। और वो लोगों ने पूछा, एक देवता प्रसन्न कर दे क्या करेंगे? मैंने कि लोग ये चिल्लाते हैं कि चावल नहीं मिलता और चीनी नहीं मिलती है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक देवता अगर प्रसन्न कर दो तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना गन्ना पैदा होगा जो 50 साल में नहीं हुआ, और चावल जब ढंडोरा पीटा और अयोध्या में आपको लाखों आदमियों से ऊपर ले गया और सरजू जी में 22 मई से और 28 मई तक आपने देखा होगा कि जिस समय पर बच्चियां सरजू जी में इतनी गहरी में प्रवेश हुई तो सरजू जी घटती चली गई और बच्चियों को लोगों ने यह बताया कि यहां तक घटती चली आई जैसे कृष्ण का इतिहास था और इधर से उधर चली गई। ये लोगों ने उस समय पर खबर दी तो सरजू महारानी भी यानी बच्चियों के लिए जगह दे सकती है और घटती चली गई। उस समय पर 22 मई से 28 मई 1770 में एक देवता प्रसन्न हुए। बाद में गन्ना पूरा बोया गया, वर्षा बाद में हुई, बाद में चावल लगा, लेकिन हिंदुस्तान में इतना गन्ना पैदा हुआ कि अभी तक किसानों के खेतों में पिछले साल का खड़ा हुआ है, इस साल के लिए जो बोया था वो तो खड़ा ही है। और चीनी जो है आपकी ढकेलों पर बिकती है, जितनी चाहो ले आओ, गुड़ जितना चाहो ले लो,
यदि कहीं पर दाम निर्धारित न किया जाता तो 1.5 रुपए और 1.25 रुपए चीनी बिकती। इतना भारत में उत्पादन किसानों के खेतों में उसी देवता के प्रसन्न करने पर हुआ। तुरंत एक दूसरा स्वप्न हुआ कि अभी आपको जनता जनार्दन के लिए और मेहनत करनी, फौरन चले जाओ अहमदाबाद और गुजरात में साबरमती अहमदाबाद के बीचों बीच में उसमें सज्जुक आगमन साकेत महायज्ञ करो और सज्जुक के आने का बिगुल बजा दो। अगर बिगुल बजा दिया और 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। 6 महीने पहले ढढोरा पीटा, 33 करोड़ देवता पूछ रहे हैं आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, और आपने उस उपस्थिति को देखा है अहमदाबाद में। उसके बाद फसल तो बाद में तैयार होगी और बाद में कटेगी, लेकिन बोने के पहले बाबा जी ने जो आपको बताया, भारत में इतना अनाज किसानों के खेतों में पैदा हुआ कि कोई आदमी भूखों नहीं मर सकता। पहले क्या था, मर जाओगे मर जाओगे, नसबंदी करो, गर्भपात करो, आदमी कम करो, ये कम कर दो, वो कम कर दो। अरे ऋषियों के खून निकालने पर तो रावण मारा गया। देखा आपने, बड़े बड़े लोगों ने जब खून निकाला, ऋषियों को तंग किया, चंस लगाया, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मारे गए। तो ये तो गर्भपात और ये नसबंदी कितना बड़ा अपराध है, कितना घोर यानी घृणा का काम, यानी बिल्कुल दुष्कर्म है कि इतनी बड़ी हत्या कि न मालूम उससे कौन सी महानात्मा पैदा हो जाए और क्या कर दे, उसको गर्भीर में तथा समाप्त कर दिया जाए। 2 महीने के 4 महीने के 5 महीने तक के छोटे छोटे बच्चे यानी उसके गिरवा दिए गए, ये कितना जघन कार्य, इसकी सजा क्या मिलेगी। उस नरकों में डालकर जो ऐसा काम कराते हैं, क्या उनको फरिश्ते जंदूत उनको सजा देंगे, ये तो आपको मालूम है। देखो काफी वादियों शराब और तारी, मांस और मछली और अंडे यदि तुम खाते हो और दिन और रात गंगा में स्नान करो तो आपके पाप नहीं धुलेंगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये गंगा जल अगर पाप धोती है तो इसमें जो नहाते हैं और लोग जो हिंदू नहीं है उनके अगर पाप नहीं धुलते हैं तो श्रीमान जी आपके पाप कैसे धुल जाएंगे। उस गंगा में स्नान करो जिस गंगा में त्यागई शुभ अशुभ, वो कर्म जो शुभ अशुभ है उस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करो जहां ये दोनों कर्म दग्ध होते हैं पाप और पुण्य। जो भागीरथी ने ब्रह्म गंगा को प्रकट किया था और धारा को ज्ञान की उतार करके जाए उसका वितरण कर दिया उत्तराखंड में और हम लोगों को बताया कि किस तरह से ऊपर से ज्ञान गंगा उतरती है। तो आप अभी भूल में है, बहुत भूल में है, समय निकला जा रहा, उसके यहां किसी की क्षमा नहीं होती है। अधिकार आपको भगवान ने पूरे दे दिए, जो आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा तो फौरन मन को बुद्धि को चित्त को प्राणों को जीवात्मा को एक सेकंड के अंदर इस शरीर से जिस्म से खींच के आधा अलग और शरीर जमीन पर गिरेगा और वो देखिए जल रहा, वो मनगंगा घाट पर धुआं उड़ रहा है। उधर देखिए ये हालत फिर कहां गए, आपने कभी सोचा है कि ये कहां चले गए, ना बाप ने ना माई ने ना भाई ने बंधु ने ना दोस्त ने ना मित्र ने किसी साथी संगी ने सोचा कि कहां गए, कुछ नहीं, उधर ले गए हिसाब हुआ और सीधा नरकों में पहुंचा दिया, करोड़ों वर्षों तक वहां मार खाते रहो। कौन पूछता है, इसलिए बुरे कामों को छोड़ो, दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन। मैं तो एक सीधी बात और अपनी जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो, जिस नाम के साथ वाल्मीकि ने अपनी जीवात्मा को जोड़ा और चल गए ब्रह्मांड में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, वही काम आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर करो कि जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो, जो 24 घंटे और चारों जुगों से जो नाम का उच्चारण तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में हो रहा, जीवात्मा को उसके दरवाजे पर बैठाओ
और तुमको उसकी सुनाई आवाज और वाणी देगी। बड़ा कशिश और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत।